Students, as you know, we had started your chapter, the gift of chapel, and uh, we had uh, done uh, uh, a lot in this chapter. So here uh, remains a little bit in this chapter. So today we are going to complete uh, uh, complete this chapter. So, so today we will start from here. Here said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man. एंड देन क्या करता है जो रवि है वो बेगर के सामने चप्पल को उठ स्लीपर्स को फेंकता है और बोलता है ये लो बियर डीज इन्हें पहन लो एंड डोंट कम बैक और बाद द्वारा यहां मत आना द बेगर्स एट द स्लिपर्स हरिडली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर पोस्ट हिज इन टू डेम एंड लेफ्ट मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन अब क्या हो रहा है द बेगर स्टेयर स्लीपर्स अब स्टेयर क्या होता है देखना तो बेगर्स क्या करता है वो देखता है स्लीपर्स की और हरीडली फ्लंग हिज टॉवल और जल्दी वो क्या करता है जल्दी से अब वो टॉवल जो है उसको हवा में फ्लंग करता है झाड़ता है ओवर हिज शोल्डर और किसके ऊपर रख लेता है अपने शोल्डर के ऊपर पोस्ट हिज फीट इन टू दम एंड लेफ्ट मटरिंग ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन अप, वो अपनी पैरों में उन चप्पल को डाल डालता है एंड लेफ्ट मटरिंग और बुदबुदाता हुआ चला जाता है अब ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन और वो क्या कर बुदबुदा रहा है वो उन चिल्ड्रन को उन बच्चों को क्या कर रहा है ब्लेसिंग दे रहा है दुआएं दे रहा है इन अ मिनट ही हैड बैनिश्ड अराउंड कॉर्नर ऑफ द सिटी और कुछ ही क्षणों में वो बैनिश्ड हो जाता है वहां से चला जाता है ओझल हो जाता है इन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट गली के किसी कोने में द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस एंड टू कैन अनएप्रिशिएटेड लुक एट द थ्री ऑफ दिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री प्लेइंग मार्बल्स जो म्यूजिक मास्टर है केम आउट ऑफ द हाउस अब वो हाउस के बाहर आता है एंड टू कैन अनिशिएटिव लुक और फिर वो अनिशिएटिव डिसअप्रूविंग अनएप्रिशिएटिव क्या होता है डिसअप्रूविंग नाराज होकर नाराजगी भरी नजरों से वो किन की तरफ देखता है उन तीन बच्चों की ओर जो कहा है? बैठे हैं बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं आम के पेड़ के नीचे और क्या कर रहे हैं प्लेइंग मार्बल्स और कंचे खेल रहे हैं वहां पर देन ही सर्च फॉर हिज चैपल्स इन द बर ही और फिर वो क्या करता है वो चप्पल्स को ढूंढता है बरांडे में, में जिसको जहां पर उसने क्या किया था उनको खोला था लाली ही कॉल फॉर अ फ्यू मोमेंट्स कुछ ही शर, कुछ देर बाद वो क्या करता है वो लाली को आवाज लगाता है शी हरे टू हिम और वो लाली जो है वो वहां पर दौड़ती हुई आती है डियर आई रिमेम्बर है dear? I remember having kept them here. मुझे याद है मैंने उन्हें यहीं पर उतारा था रबी मृदु एंड मीना साइलेंटली watched Murad, Lali एंड म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरांडा रबी मृदु और मीना वो क्या है वो चुपचाप देख रहे हैं लाली और म्यूजिक मास्टर को ढूंढते हुए चप्पल ढूंढते हुए कहां पर बरांडा के हर कोने में ही कर एड अराउंड लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड क्रॉसिंग द फ्लावर फॉर्ड टू लुक बिटवीन दम ही कर एड अराउंड वो चारों तरफ ढूंढते हैं लुकिंग ओवर इट रेलिंग रेलिंग के पास देखते हैं क्रॉचिंग नियर द फ्लावर फोर्ट जो फ्लावर फोर्ट रखे हैं उसके आसपास देखते हैं ब्रांड न्यू देवर और वो मास्टर क्या बोलता है कि वो चप्पल्स कैसी थी ब्रांड न्यू थी बिल्कुल नई नई थी और ब्रांडेड थी आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बोयडेम मैं पूरे माउंट रोड में गया था वो मुझे माउंट रोड के लिए जाना पड़ा था उन चप्पल को खरीदने के लिए मीन्स जगह जहां लेने गया था चप्पल जहां से ली थी वो बहुत दूर थी He went on saying, और वो कहता रहता है द को दे कोस्ट हॉल मंथ फीस डू यू नो पूरे एक महीने की फीस एक महीने की जो तनख्वाह थी उतनी तनख्वाह होती है उस की कोस्ट उतनी थी वो उतनी महंगी थी डू यू नो क्या तुम जानती हो सून लाल इवेंट इन टू ऑल टू टेल हर मदर फिर जल्दी ही लाली अंदर चली जाती है अपनी मदर से कहने के लिए अब वहां पर रुकमनी आ जाती है लुकिंग हैरेस्ट अब वो कै, कै, कैसे देख रही है, है वह शर्म महसूस कर रही है विद पाती फॉलोइंग हर और उसके साथ कौन आई है पाती दादी माँ मैंने आपको बार बार बोला है कि पाती जो है वो तमिल में पाती किसको बोलते हैं दादी को वेयर डू दे हुई वो कहा होंगी इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समाइट है ये सचमुच बहुत अजीब है बहुत भद्दा सा लग रहा है कि हो सकता है किसी ने अगर उसको चुरा लिया हो सो मैनी वेंडोर्स केम टू द डोर बरेड पाती वो पाती वो दादी क्या बोल रही है वो चिंता में डूब गई और वो क्या बोल रही है कि यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स आते हैं बहुत सारे लोग आते हैं जो जा रहे होते हैं वो क्या करते हैं इस दरवाजे पर कई लोग आते हैं तो शायद हो सकता है चप्पल किसी ने चुरा ली हो रुकमी कॉट साइट ओवर रवि मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री अब जो रुकमणी है उसकी नजर किसके ऊपर पड़ती है रवि मृदु और मीना जो कहां पर बैठे हैं पेड़ों के नीचे हैव यू चिल्ड्रन क्या तुमने बच्चो सी वेगेन और वो पूछने लगती है एंड देन दे वर क्यूरियसली क्वाइट और फिर क्या देखती है कि वो क्या है वो सारे बिल्कुल चुप हो गए हैं बेनटोन मोर स्लोली उनके पास जाती है धीरे से सीन इन एनिम लर्किंग अराउंड तुमने किसी को बरांडा के आसपास घूमते हुए देखा है लर्किंग क्या होता है लर्किंग uh, होता है वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग और अटेंशन अ शार्प बी शेप्ड लाइन हैड बिटवीन है अब जो रुकमणी की आईब्रोज है उसमें क्या हो गया है एक वी शेप की एक बी शेप की लाइन फॉर्म हो गई है माथे के ऊपर एक वी शेप की इस तरह की एक लाइन जो है वो रुकमणी की ओर बन गई है क्योंकि वो गुस्से में है उसकी आईब्रोज के बीच में नाक के साथ जो आईब्रोज के बीच में जगह होती है वहां पर एक वी शेप की लाइन बन गई है क्योंकि वो गुस्से में है अनदर स्ट्रेट टाइटर वन अपेयर इन प्लेस ऑफ हर यूजअली सॉफ्ट अब वहां पर ये जो प्ले, ये जो वो वी शेप बनी है वो क्या है वो टाइटर है यूजुअली वो कैसी होती थी बोलता है सॉफ्ट होती थी लेकिन अब वो कैसी है वो टाइट हो गई है प्लीज माउथ रुकमणी वॉज एंग्री रुकमणी को बहुत गुस्सा आया है थॉट मृदु विदिवर और मृदु जो है वो कांपने लगता है शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू वट अबाउट द पोअर बैगर विद शोस ऑन हिज फीट शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ और वो क्या बोलती है कि वो इतनी ज्यादा उदास नहीं होती इतनी ज्यादा गुस्सा नहीं होती अगर उसको पता होता कि उस बेगर्स के पैर के पैरों में जो छाले आए हैं उसके बारे में शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ वो अपने आप को कंसोलिडेट कर रही है यहां पर अपने आप को वो अपना मन अपने मन को समझा रही है टेकिंग अ डीप ब्रेथ एक ठंडी सांस लेने के बाद वो चिल्लाती है रुकमणि देर वॉज अ बेगर हेयर रुकमणी यहां पर एक भिखारी आया था पोअर थिंग ही हैड सच बॉयल्स ऑन हिज फीट और उसके पैर में उसके पैर में क्या थे उसके पैर में बहुत ज्यादा छाले आए हुए थे सो so, इसलिए सेड रुकमणी ग्रिमली ग्रिमली बोलती है टर्निंग टू रबी रबी की तरह बोलती है यू गेव द म्यूजिक मास्टर चैपल्स ऑफ हेर दर तो तुमने ओल्ड मास्टर की चप्पल जो है वो उस ओल्ड बैगर को दे दी जो यहां पर आया था चिल्ड्रन दीज डेज क्राउन पाती और पाती क्या बोलती है आजकल के बच्चे अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट करन who gave away everything he had even his gold earrings he was so kind and generous अब वो क्या बोलते हैं अम्मा तुमने मुझे करना के बारे में बताया था करना कौन महाभारत में जो करण था उसके बारे में बताया था जिसने क्या किया था इवन अपनी गोल्ड रिंग्स जो थी रिंग्स जो थी वो भी दान कर दी थी काइंड एंड डेंजनरस वो बहुत दयालु और दानी था सिली मुख रुकमनी थप वहां पर क्या करती है उसको थप्पड़ मार देती है करणा डिडेंट गिव अवे एंड अदर पीपल सिंग ही ओनली गेव अवे इज ऑन करण जो ये करण था वो कभी भी अपनी दूसरों की चीजें दान नहीं देता था या दूसरों की चीजें नहीं देता था ही ओनली गेव इज ऑन वो सिर्फ अपनी ही चीजें देता था बट माई चप्पल बुडेंट वी बुडेंट हैव फिट इन द वेगर फीट लेकिन मेरी चप्पल उस बैगर के पाओ में फिट नहीं आती सही नहीं आती रवि रवि से भाग जाता है। And आमा, अंदर भाग जाता है बैर, लियोन, अंदर, की, अंदर भाग जाता है एंड अम्मा और अम्मा क्या बोलती है इफ दे डिड फिट अगर वो फिट होती वोड यू रियली नॉट कि अम्मा अगर वो मुझे फिट आ जाती तो क्या तुम सच में गुस्सा नहीं करती इतना बोल के रवि क्या करता है वो अंदर भाग जाता है रवि सेट रभी क्या बोलता है, वेरी एंग्री अब है। गो इन साइड दिस मिनट अभी अंदर चले जाओ शीहरेड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वन और वो क्या करती है वो अंदर जाती है और अंदर से क्या लेके आती है गोपू मामा की जो चप्पल थी उनको लेके आती है न्यू और वो क्या थी न्यू थी दी शुड फिट यू ये तुम्हें फिट आ जाएगी सर प्लीज पुट दीज ऑन सर कृपया इसे पहन लीजिए इन्हें पहन लीजिए आई एम सो सॉरी मुझे माफ कर दीजिए माई सन हैज वेरी नोटी मेरा बेटा जो है वो बहुत नोटी है शरारती है द म्यूजिक मास्टर्स आईज लेटअप जो म्यूजिक मास्टर्स की आइज है वो क्या होती है वो चमक पड़ती है ही पुट ऑन वो उन्हें पहन लेता है ट्राइंग नाउ टू लुक टू हैप्पी और वो क्या शो करता है कि वो ज्यादा खुश नहीं है वेल आई स्पोज दीज विल हैव हैव टू डू डे चिल्ड्रन नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स वट टू डू और वो क्या बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ आजकल के बच्चों में दे हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स वो एल्डर्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं बड़ों की बट टू डू हम क्या कर सकते हैं हनुमान इनकार्नेट ओनली रामा कैन सेव सच आ नाउटी फेलो वो वो क्या बोलते हैं कि हनुमान के जैसे हो गए हैं हनुमान इन हनुमान कौन हनुमान इज इज अ मिथ इज़ इज़ अ होली मंकी रामायण में जो हनुमान जी आते उन उन उनका उनके साथ कंपेयर कर रहा है गुरु जी उनको जो म्यूजिक मास्टर थे वो क्या बोलते हैं हनुमान इन कारनेट ये तो बिल्कुल हनुमान के जैसे हैं ओनली राम रामा कैन से सच अट ए फैलो केवल राम ही इन इन प्रकार के नटखट नटखटों से बचा सकते हैं रुकमणि आइज फ्लैश रुकमणि की आंखें आंसुओं से भर जाती है सी डिडेंट सीम टू लाइक रवि कॉल द मंकी उन्हें पसंद नहीं आता कि गुरु जो म्यूजिक मास्टर है वो रवि को मंकी कहें अ हॉली मंकी एक जो आध्यात्मिक जो मंकी था हनुमान जी उनके उनके साथ कंपेयर करना भी रुक्मणी को पसंद नहीं आया

जब उन्होंने अपनी वो न्यू चप्पल्स दे दी और उसके बाद वो क्या बोलती है मृदु कम इन मृदु अंदर आ जाओ एंड हैव सम टिफिन और आओ कुछ खाते हैं ऑनेस्टली ईमानदारी से हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स बोलती है मुझे ऑनेस्टली बताओ पूरी ईमानदारी के साथ बता दो कि तुम बच्चे इन चीजों के बारे में इतना कैसे सोचते हो थैंक गॉड योर गोपू मामा डेयर द चप्पल टू वर्क की भगवान का शुक्र है कि तुम्हारे गोपू मामा क्या करते हैं काम के लिए चप्पल को नहीं पहनते हैं एशी वॉक टूवर्ड द किचन विद मृदु एंड मीना और जैसे ही वो वॉक करती है जाती है किचन को मृदू और मीना के साथनली विगेन टू लाफ वो अचानक से हंसने लग पड़ती है shoes ही socks and इन सच the into his एंड सॉक्स एंड गेट he comes होम वो क्या बोलती है कि वो हमेशा कैसे जल्दी में होते हैं जैसे वो आते हैं अपने शूज और सॉक्स को थ्रो कर देते हैं और फिर अंदर आते हैं गेट इन टू में एज उन एज ही कम्स होम जैसे ही आएंगे व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से अब तुम्हारे मामा क्या कहेंगे दिस इवनिंग आज की शाम को व्हेन आई टेल हिम जब मैं उन्हें बताऊंगी आई गेव हिज चैपल्स टू द म्यूजिक मास्टर कि मैंने उनकी जो चप्पल्स है वो किसको दे दी है म्यूजिक मास्टर को दे दी है सो स्टूडेंट दिस लेसन इज रिटन बाय बसंता सूर्या बसंत सूर्या बसंता सूर्या ने इस लेसन को लिखा है फ्रॉम रिदू इन मद्रास जो मृदु इन मद्रास में है ये वहां से लिया गया है चाका गोरूचा अप सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स टमोरो क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर सो थैंक यू वंस अगेन